नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश की फटाफट 30 खबरों को। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रिकॉर्ड संख्या को पीछे छोड़ देंगे। मोदी के इस उपलब्धि से अब वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के 17 बार के रिकॉर्ड में पीछे हैं। ये ऐतिहासिक पल 15 अगस्त को देश भर में गर्व और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। नियामक प्राधिकरण ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे स्पैम गतिविधियों में लिप्त व्यवसायों के बल्क कनेक्शन को डिसकनेक्ट और ब्लैकलिस्ट करें। ये कदम भारतीय स्पैम और धोखाधड़ी कॉल्स की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है। बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर एनडीए सरकार को घेरा। बिहार में हुई 42 वारदातों को जिक्र कर सरकार की नाकामी पर उठाए सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएसबी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड और अशोका विनियोग लिमिटेड पर भारी जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। बिहार के मोतिहारी जिले में पुलिस की लापरवाही से राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर की सुरक्षा में चूक। सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के बजाय उसका बेटा था। तैनात चौकीदार के बेटे की वर्दी में सेल्फी वायरल। मोतिहारी के एसपी कांतेश मिश्रा ने मामले की जांच की शुरू। केंद्र सरकार ने प्राइवेट न्यूज चैनलों को प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग में दृश्यों पर तारीख और समय लिखने की एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि दुर्घटना या आपदा के कई दिनों बाद दिखाए गए फुटेज वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं, जिससे दर्शकों में भ्रम और घबराहट पैदा हो सकती है। नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और दलित सब कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू ना किए जाने को लेकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं। जदयू में इस बिल को लेकर मतभेद बढ़ रहा है और नीतीश कुमार सार्वजनिक और पत्रकारों से दूरी बनाए हुए हैं। बीसीसीआई जल्द ही एक नई लीजेंड्स लीग शुरू कर सकता है, जिसमें पूर्व क्रिकेट सितारे जैसे सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और एबी डिविलियर्स खेलते हुए नजर आएंगे। ये लीग आईपीएल की तर्ज पर आयोजित की जाएगी, लेकिन इसमें केवल रिटायर्ड खिलाड़ी ही शामिल हो सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तांती और तंतवा जातियों को अनुसूचित जाति से बाहर कर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। इस बदलाव से इन जातियों को मिलने वाले आरक्षण लाभ में कमी आएगी। इस संबंध में बिहार सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन भारत लौटने के बजाय उन्होंने जर्मनी के लिए रवाना हो गए। हार्निया की समस्या के इलाज के लिए उन्हें जर्मनी जाना पड़ा, जहां वो एक महीने तक रहेंगे। बिहार के भोजपुर जिले में संदेश थाना क्षेत्र के खंडोल काजीचक घाट स्थित बालू भंडारण केंद्र के चालान ऑफिस पर हथियारबंद नागापोस अपराधियों ने धावा बोलकर लूटपाट की है। इस दौरान विरोध करने पर चालान केंद्र पर कार्यरत दो कर्मियों को गोली मार दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश बिहार में आधारभूत संरचना के लिए करीब 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। नीतीश सरकार की ये राशि कर्ज के माध्यम से इकट्ठा करेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मारुति सुजुकी जल्द ही भारत में अपनी नई छोटी कार सुजुकी हसलर लॉन्च करने जा रही है, जिसकी टेस्टिंग हाल ही में देखी गई है। ये नई गाड़ी टाटा पंच एसयूवी के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। इसके लॉन्च से भारतीय बाजार में और भी विकल्प मिलेंगे। बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार राज्य में 770 दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट की बहाली करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा की है। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में लगभग 45,000 अन्य पदों पर भर्ती पर भी अपडेट दिया है। इंडियन बैंक ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में लोकल बैंक ऑफिसर्स के 300 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर विजिट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन देने की घोषणा की है। ये सभी अधिकारी 39वें बैच के हैं और 2023 से उनकी पदोन्नति लागू हो गई है। उनकी पहल नियुक्ति संयुक्त सचिव के पद पर की जाएगी।
दिल्ली में 15 अगस्त को सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं और यातायात के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली मेट्रो सुबह 5 बजे से 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी के साथ चलनी शुरू हो जाएगी और सड़क यातायात के लिए अलग शेड्यूल तैयार है। ये कदम राजधानी में सुचारू और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बिहार में हाल की मूसलाधार बारिश के कारण नदियों और जल स्रोतों का जलस्तर उफान पर है, जिससे डूबने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। विभिन्न स्थानों पर हुई हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मासूम बच्चे और सावन के सोमवारी पर स्नान के लिए नदी गए श्रद्धालु भी शामिल हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर और खगड़िया के जिलाधिकारियों को तलब कर केला किसानों की फसल की क्षति का आकलन करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हाल ही में भारी बारिश और तेज आंधी से इन जिलों के केला किसानों की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राजस्थान के जैसलमेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में ये टेस्ट किया गया है। माउंटेड लॉन्चर से छोड़ी गई मिसाइल ने टारगेट के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए सत्र के प्रीमियम पर भावुक होकर दर्शकों का धन्यवाद किया। उनके प्यार को शब्दों में बयां करने में असमर्थता जताई। बिग बी ने कहा कि ये मंच दर्शकों का है और उन्होंने दोगुनी मेहनत करने का आश्वासन दिया। टोक्यो और पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। डोपिंग निरोधक वेयर अबाडट नियम के उल्लंघन के कारण ये कार्रवाई की गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसंगी कंपनी के रूप में शामिल किया है। NBSL पहले भारत इंटरफेस फॉर मनी BHIM के नाम से जाना जाता था। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नेपाल दौरा किया। मिश्री ने 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री समेत कई अन्य मंत्रियों से मुलाकात की। नेपाल में केपी शर्मा ओली की नई सरकार के गठन के बाद ये भारतीय विदेश सचिव की पहली यात्रा है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन बनाने का 30,000 करोड़ रुपए का ठेका रद्द कर दिया है, जिससे देश भर में 100 ट्रेनें बनाने की योजना को बड़ा झटका लगा है। इस ठेके को रद्द करने के बाद अब योजना को पूरा करने में देरी होगी। रेलवे ने नए टेंडर प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल की किस्मत का फैसला आ जाएगा। बता दें कि फाइनल में सिल्वर मेडल पक्का करने के बाद विनेश को 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पीटी उषा ने इस मामले में भारतीय दल के डॉक्टरों का समर्थन किया और कहा कि वजन के लिए विनेश और उसके कोच जिम्मेदार हैं। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की करोड़ों की प्रॉपर्टी को बैंक ने सीज कर दिया है। ये कार्रवाई 2012 में लिए गए 3 करोड़ के लोन की बकाया 11 करोड़ की वजह से की गई है। फिल्म अता पता लापता की फ्लॉप होने के बाद ये लोन भरकर बड़ी राशि हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर हमलों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार ने गरीबों और मध्य वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस प्रमुख मुद्दों पर अभियान शुरू करेगी और जनता के बीच जाएगी। खड़गे ने सरकार से सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगने की भी अपील की है। प्रशांत किशोर ने जमुई में अपने जन सुराज अभियान के तहत 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की, जहां हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद, जदयू और भाजपा को नकारे जाने का दावा किया और जदयू को 20 सीटों पर सीमित रहने की भविष्यवाणी की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की भारत अमेरिका संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने भविष्य में वैश्विक अस्थिरता के बढ़ने की संभावना जताते हुए आगामी 5 वर्षों को चुनौतीपूर्ण बताया है। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया है उनके नाम है संजीव कुमार, गुनर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, नितेश कुमार सिंह, सुरेंद्र राय, मोहम्मद साकिर हुसैन, नंद कुमार शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, न्यूज़ चैनलों को प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग में दृश्यों पर तारीख और समय लिखने की एडवाइजरी जारी की गई है, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।